हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वीट सिंपल लाइफ। कैसे हो आप सब? और थैंक यू सो मच आप सभी का। जब जब भी मैं इस तरह के वीडियो डालती हूँ हेल्थ रिलेटेड, सो आप मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है आपके कमेंट्स से। और सच बताऊँ, हम एक दूसरे का सहारा, और मैं ना कभी भी हेल्थ के रिलेटेड मैं किसी से बात करना नहीं पसंद करती हूँ, लेकिन अब इस चैनल को ओपन किया है इसी पर्पज़ से कि शायद आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिल सके। सो जो भी अप्स एंड डाउन होते हैं मेरी लाइफ में या मेरे हेल्थ रिलेटेड, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और बने वहाँ तक मैं ऑल डिटेल्स नहीं जाती हूँ, क्योंकि मैं खुद पसंद नहीं करती हूँ इतने डिटेल में जाना। लेकिन फिर होता है कि अगर मैं थोड़ी बहुत भी आपको हिंट दूँ तो आपको पता चले कि क्या हम मिस्टेक कर रहे हैं और कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, सो आपको इससे थोड़ी हेल्प मिल सके। अच्छा, यहाँ पे मेरी पहली बार इतने सालों में, शादी के बाद 30 सालों के बाद, ये पहली बार मैंने मलाई का घी बनाया है यहाँ पे। सो परफेक्टली डन हुआ, कोई मिस्टेक के बिना। क्योंकि होता है ना कि थोड़े अरसा हो जाता है, थोड़ा टाइम के बाद हम चीज़ें भूल जाते हैं। सो इंडिया आती हूँ, देखते रहती हूँ इन लोगों को, थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती, करते रहते हैं हम लोग ना जो किचन में लेडीज़ का होता है। सो उसी तरह से बस देखते सिखाते मैंने सीखा था। सो मैंने बनाया अपने आप से ही। और यहाँ मैं आपको क्रीम शो कर रही हूँ जो रैसेस हुए थे और डॉक्टर को बताने गई थी। सो बस ये क्रीम मुझे डॉक्टर ने दी थी मॉर्निंग एंड नाइट में लगाने को। सो अब तो काफ़ी ऑलमोस्ट चला गया है, बस थोड़ी बहुत रह गई है। और गर्मी में, हाँ गर्मी के लिए हुआ है, डॉक्टर का कहना था। और सेकंडली एक्चुअली मैं जाइडस में इसलिए गई, क्या बोलते हैं, मॉर्निंग में लैब करवाने गई थी क्योंकि मैं जैसे कहा गए फेस पे सूजन आ गई थी। और अराउंड आइज़ के आगे वो स्पेशली नहीं होना चाहिए, लिप्स के ऊपर। सो इस वजह से मैं थोड़ा डर गई थी। सो मैं सीधा लैब के लिए ही चली गई थी किडनी का। मैंने बोला मुझे कोई रिस्क नहीं लेना इसमें, सीधा मैं किडनी का जो भी उसके बेसिक होते हैं लैब वर्क वो मैंने डॉक्टर को बोला आप कर दो, पहचान वाले थे भाई के। सो वहाँ मैं चली गई। फिर रिपोर्ट में आया कि मेरी किडनी क्रिएटिन हाई है 1.22। लेकिन डॉक्टर को मैंने पूछा तो उनका कहना था कि नहीं ये नॉर्मल है, क्योंकि आपका प्रोटीन वगैरह कुछ भी लीक नहीं हो रहा है यूरिन में और सारे लैब्स एकदम से परफेक्ट हैं, GFR वगैरह भी क्लियर है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। सो इस वजह से 1.22 वो कई बार डिहाइड्रेट से हो जाता है, वो मुझे भी पता चल ही गया था। क्योंकि यहाँ आने के बाद गर्मी इतनी लगती, इतना पानी पीने के बाद भी वो कहते हैं ना प्यास ही नहीं जाती। और सेकंडली कहीं भी मैं जाती हूँ किसी काम के लिए, 3-4 घंटे तो आराम से निकल जाते हैं, समय पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं पीती हूँ, पीना चाहिए। लेकिन फिर बाथरूम का इश्यू हो जाता है कि बाथरूम यहाँ का यूज़ करना बाहर का थोड़ा सा मुझे वो लगता है अनहाइजीन, आई एम सॉरी टू से दैट। बट कहते हैं ना कि एक चीज़ को मिटाने के लिए 100 चीज़ लेके आते हैं हम, वो वाली बस एक डर सी बैठ गई है दिमाग में। सो इस वजह से मैं बाहर का बाथरूम जितना हो सके उतना ना यूज़ करूँ, अनलेस कोई इमरजेंसी हो। सो बस इसी वजह से बाहर भी मैं कम ही जाती हूँ। और एक इस तरह का स्केड्यूल भी मैंने सेट किया हुआ है कि लाइक मॉर्निंग में मैं सबसे ज़्यादा पानी पीती हूँ, तो मैं ट्राई करूँ कि 12-1 बजे निकलूँ। सो अब दूसरी दिक्कत ये आ रही है कि 12-1 बजे अगर मैं निकल रही हूँ तो पूरी धूप हो जाती है, आप समझ सकते हो इतनी कड़ी वाली धूप है, सो उससे अब एलर्जी हो रही है। सो अगर शाम को निकल रही हूँ तो शाम को पानी थोड़ा कम पीती हूँ। सो अब स्केड्यूल में शायद इस तरह का रखूँ कि शाम के समय ही मैं निकलूँ बाहर, शायद मैं देखती हूँ, अभी कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इसे। सो बस ये क्रीम मुझे मॉर्निंग एंड नाइट में लगानी थी, वो मैंने लगा ली है। हालाँकि आप देखते होंगे मेरे ब्लॉग में, आई एम सो सॉरी, मैं कपड़े भी इस तरह के पहन रही हूँ ना, हालाँकि ब्लॉगिंग में अच्छे पहनने चाहिए, अच्छे दिखने चाहिए, लेकिन अब क्या करूँ, गर्मी इतनी लग रही है तो इस तरह के कपड़े पहन रही हूँ। और अभी मुझे ड्रेसेस वगैरह भी लेने जाना है कुछ यहाँ चालू में पहनने के लिए, लेकिन इसी वजह से मैं निकल ही नहीं पा रही अभी तक की। वो हेल्पर की प्रॉब्लम थी, अब हेल्पर थोड़ी बहुत अच्छी सी मिल गई है तो ये दूसरा इश्यू आ गया है। चलिए ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये तो चलती रहती हैं। सो एनीवे, बस हाँ क्रिएटिन हाई है 1.22, लेकिन मैं कर लूँगी मैनेज, मुझे पता है मैं पानी अच्छे से पीऊँगी, अब तो बहुत सारा पानी पीना है मुझे। और कुछ इस तरह का सेटिंग करूँगी बाहर आने जाने का कि जिससे मुझे ना बाथरूम वगैरह की भी दिक्कत ना हो सके। सो बस यहाँ का मॉर्निंग रूटीन वगैरह हो गया है, अभी वो हेल्पर आएगी, सो बर्तन वगैरह मैं इकट्ठे कर रही हूँ, कपड़े वगैरह मैंने भिगो दिए हैं एक तरफ,
और आज मैं सिंपल सी यहाँ पे कढ़ी और कढ़ी चावल बनाने वाली थी। सो यहाँ पे ना मैंने थोड़ा सा वो मलई का सुबह के कर दिया था चाय बनाते बनाते, और फिर देखा ठंडा पानी में हम लोग कोई पीते ही नहीं है ना फ्रिज में ठंडा पानी, तो मैं रखती भी नहीं हूँ। सो फिर मैंने फ्रिज में पानी रखा, चाय वगैरह पी, दूसरा एक्स्ट्रा काम सारे कुछ कर लिए, उस तब तक फ्रीज़र में रख दिया था बॉटल, तो थोड़ा सा ठंडा हो गया। उसके बाद मैं फिर से मलाई वाला काम कर रही हूँ यहाँ पे। सो अच्छे से 10-12 मिनट में तो निकल गई थी, ज़्यादा थी भी नहीं, लेकिन आई वॉज सो हैप्पी। और मिस्टेक सबसे बड़ी मैंने कर दी कि गौतम और मौसमी दोनों वेट कर रहे थे कि कब ये बटर इसमें से निकले और हम लोग ब्रेड बटर खाएंगे। सो उन लोगों ने ना मुझे मना भी किया था कि तू घी मत बना देना, और मेरा माइंड कहीं और ही चल रहा था। सो मैंने सारा का सारा घी बना दिया इसका, थोड़ा सा भी बटर इन लोगों के लिए रखा ही नहीं, और दोनों इतना गुस्सा कर रहे थे कि तुझे इतनी बार बोला था फिर भी तूने रखा नहीं। मैंने बोला पता नहीं मेरा माइंड कहाँ था आज। सो यस, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई आज, होता है ये एवरीडे के रूटीन में हमारी, ये मिस्टेक तो नॉर्मल ही है, शायद हर किसी से ये होता होगा। कितने लोग इस तरह की मिस्टेक करते हैं कमेंट में ज़रूर से मुझे बताना। और यस, कभी कभार हमारी किडनी क्रिएटिन इस तरह की अगर हाई आ जाए, लेकिन बिसाइड दैट आपके लैब वर्क सब और सही से हैं, तो प्लीज़ घबराना नहीं है। समझ जाना चाहिए हमें कि हमें कहीं ना कहीं डिहाइड्रेट है बॉडी में, सो हमें ज़्यादा पानी पीना चाहिए। यस अगेन, अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है, प्रोटीन लीक हो रहा है, देन यू हैव टू डेफिनेटली वरीड अबाउट। सो बस यहाँ घी जैसे मैंने कहा बना दिया मैंने, और जो उसका छस वगैरह निकला था बटर का, और थोड़ा बहुत दही था मैंने वो भी सुबह से बाहर निकाला है कढ़ी के लिए। और सच बताऊँ ये तैयार दही है अमूल का, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कढ़ी मुझे आज टेस्टी ही नहीं लगी, आई डोंट नो वाई। खट्टी हुई थी, इतनी नहीं थी जितनी हम घर में जमाते और करते हैं ना, शायद हम लोग यूज्ड टू हो गए हैं इतने साल से वहाँ पे कि घर की दही ही बनाना। सो शायद इस वजह से पसंद नहीं आई मुझे इतनी ज़्यादा, और कहीं और गलती हो गई होगी, आई डोंट नो, लेकिन इतना मुझे नहीं मज़ा आया। सो एनीवे, कढ़ी बना रही थी, फिर सोचा चलो इतनी तो खट्टी है नहीं, हालांकि कढ़ी पकोड़े में ना खट्टी दही अच्छी लगती है, खट्टी कढ़ी अच्छी लगती है, लेकिन अगेन आई मेड अ मिस्टेक। आज पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ पे चल रहा है, मुझे नहीं पता, शायद ये गर्मी मुझे दिमाग पे चढ़ गई आज मुझे लग रहा है। सो मिस्टेक पे मिस्टेक किए जा रही थी, और एकदम से डिसाइड किया कि चलो मैं पकौड़ा बना लेती हूँ। सो कढ़ी पकौड़ा और चावल हो जाएगा, क्योंकि आज ना भाभी और भैया दोनों, मेरे भैया जो है वो प्रिंसिपल है स्कूल में, और मेरी भाभी जो है वो डे केयर चलाती है, जैसे लिटिल मिलेनियम करके है उसका स्कूल। सो उन लोगों की आज मीटिंग थी अहमदाबाद में, सो वो दोनों वहाँ जाने वाले थे और मुझे उनके यहाँ भी खाना बनाने जाना था। सो हस्बैंड नहीं आ रहे थे, सो कढ़ी चावल मैंने बोला यहाँ बना लेती हूँ। हम लोग वहाँ पे ना बच्चों को पूछा तो वो, मम्मी को पूछा, मेरे मौसी भी वहाँ है, सो सबको पूछा तो उन लोग कहते हैं तो मसाले वाली खिचड़ी बना देना यहाँ पे। सो मैंने वघारेली खिचड़ी वहाँ बनाना था, और हस्बैंड को वो पसंद नहीं है, सो कढ़ी चावल यहाँ मौसमी को और मुझे भी काफ़ी पसंद है। सो यहाँ वो बनाया मैंने, और उसके बाद मैं चली गई थी भैया के यहाँ बनाने के लिए वहाँ पे। सो जल्दी जल्दी ये काम भी करना था, शायद इस वजह से मैं मिस्टेक कर रही थी कि वहाँ भी बच्चे फिर भूखे हो जाएंगे ना, उन लोगों को बोला कि आ जाओ, लेकिन उनको कढ़ी चावल पसंद नहीं है। सो दो वेराइटी अलग हो रही थी आज, और यहाँ पे बस साथ ही साथ मैं सीताफल और वो गुआवा कहते हैं ना जामफल, वो काट रही थी, क्योंकि दवाई का टाइम हो रहा था, अराउंड 10-11 हो रहे होंगे अभी मॉर्निंग टाइम में, 10 हो रहे होंगे, 11 o'clock तो मैं चली गई थी भैया के यहाँ, सो अराउंड 10 o'clock हो रहे होंगे मॉर्निंग के। सो ये खा के फिर मैं दवाई लेके, और तब तक कढ़ी चावल हो जाएंगे तो फिर मैं वहाँ चली जाऊँगी उस घर पे वहाँ खाना बनाने के लिए। सो वैसे तो ना ऐसे मैं यहाँ नहीं होती तो ऑब्वियस है वो लोग बाहर से ही ले आते हैं फिर, और वैसे ज़्यादा मुझे दिक्कत भी नहीं हुई वहाँ खाना बनाने में, क्योंकि मौसी जो है ना वो सारे जो होते हैं ना सब्जी वगैरह काटने का काम, लहसुन जो होती है, गार्लिक सबसे बड़ा काम होता है पील करने का, अनियन काटने का, वो सारे काम वो साइड में करके देती हैं। सो खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था मुझे। और यहाँ मैं धनिया बता रही थी, कढ़ी में धनिया बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन मेरा धनिया यहाँ देखो ऑलरेडी थोड़े से मुरझाए हुए आए थे, और फिर और भी वो हो गए बिल्कुल, ऐसा मुझे दिल नहीं किया उसमें डालने का। और अभी इस तरह के मैं दाल चावल आपको बता रही हूँ, इस तरह से बैग में ही मैंने रखा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ ना कि थोड़े टाइम के लिए आई हूँ सो ये सारे मैं फिर डब्बे एक्स्ट्रा यहाँ पे इकट्ठे करूँ और उसको स्टोर करने के लिए। सो कुछ ना कुछ अब 2 महीने रहना है या 2 महीने के लिए किसी तरह से मैनेज मैं
कर ही लूँगी ना 2.5 मंथ के लिए, कौन इतना सारा फिर चीज़ें लाए, क्योंकि भाभी के यहाँ भी पूरा घर बसा बसाया है। मैंने उनको पूछा कि अगर मैं ले आऊँ तो आप यूज़ कर लोगे, तो उनका उनकी बात भी गलत नहीं है ना कि दीदी मैं इतना तो ले तो लूँ, मैं कहाँ रखूँगी, फिर यहाँ घर भी इतने फिर नहीं होते ना स्टोरेज रूम। फिर मैंने बोला चलो तो फिर मैं लेती नहीं हूँ इतने, जो उनके पास थे ना वही मैं लेके आई थी और उसी से मैनेज कर रही हूँ अब यहाँ पे। सो बस यहाँ पे कढ़ी चावल और रोटी हो गई थी। सो मुझे चावल नहीं खाना था, जैसे मैंने कहा मैं बहुत ही कम चावल जितना हो सके खाती हूँ, और रोटी कढ़ी मैंने ले ली थी यहाँ पे, और थोड़ा बहुत ऑब्वियस है मुझे मसाला वाली खिचड़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो वहाँ जाके मैं फिर मम्मी को होता है ना कि तू खा नहीं रही है, होता है मम्मी के, हर मम्मियों को होता है ना कि बेटी आई है खा नहीं रही है, सो उसके सामने थोड़ा बहुत मैं खाने बैठ ही जाऊँगी। सो बस उसके बाद यहाँ पे मैं तेल लगवा रही थी, कपड़े वगैरह मैंने चेंज कर लिए, मौसमी को बोला मुझे तेल डाल दे थोड़ा सा सिर पे, और यहाँ पे दूध वाला आया था, हम लोग ने दूध आज वो गिर की गाय कहते हैं ना वो स्टार्ट किया है जो प्रेशराइज नहीं होता है उसके बिना का, सो वो आज से आ रहा था। सो बस वो लाई हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सारी चीज़ बस मैं आ गई हूँ भाई के यहाँ से, यहाँ सारी चीज़ें इकट्ठे कर रही हूँ। और मौसमी को ये मैं दाल चावल बता रही थी कि यहाँ देखो इस तरह से मुँह के रखते हैं ना वो कैस्टर ऑयल से, जिसे बग्स वगैरह ना हो, सो मौसमी को वो बता रही थी। सो बस यहाँ पे खिचड़ी हो गई थी, जैसे मैंने कहा ना मासी ने सब कुछ काट के रखा था, वो बहुत हेल्पफुल है बहुत ही ज़्यादा, ये सारे काम वो कर लेती हैं, कपड़े सुखाना हो गया, लॉन्ड्री से निकालना हो गया, उसको तह करना हो गया, जो ये छोटे छोटे हमको लगता है ना कि चुटुर पुटुर वाले काम बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, वो सारे काम वो कर लेती हैं। ड्राइविंग है सर से, हेलमेट हूँ पहले, चाबी दे दे, जाओ, लव यू, बाय, रिक्शा मुंह पर लिया है, सातवीं जा जाओ बेटा, सातवीं चलाओ जो दिख रहा है एकदम सातवीं, 40 मिनट स्पीड है, आवड़े छे खरो ने सरखू आवड़े छे, हाँ तो बराबर है, मम्मी बे हर मेघने बे हर रह गए तीने को मेघने सो अच्छे तो के मम्मा मारो हाटती थी पर मैं हर में गए इसको खाए ना घोड़ो घोड़ो थाई बेस छे बेटा सील बैठी छे ओ बेस छे ओ बेस साइड में नहीं बेस हां तारी फर्स्ट राइड ना स्कूटी में रिक्शा मोकली देजो बेटा त्यां थी हां यहां सिलो मौसमी अने सिलो सिलो रिक्शा मोकली देजे हां 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 बाय। तो दोनों बहनें ना मॉल में चली गई कुछ शॉपिंग के लिए, और सिल जो है मेरी भतीजी वो हेलमेट नहीं लगाती है, और मेरे हस्बैंड ने मौसमी को बोला था कि हेलमेट नहीं लगाएगी तो तुझे स्कूटी पे राइड नहीं लेना है या जाना नहीं है बाहर, सो इस वजह से उसने सिल की हेलमेट लगा ली। और यहाँ पे फिर मैं उसके बाद निकल गई थी घर के लिए, सो रास्ते में ना ये दिए वाले जो होते हैं तोरण वाले डेकोरेशन वाले वो सारे खड़े थे, सो मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत देख लेती हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।